उज्जैन दक्षिण विधायक डॉक्टर मोहन यादव अपने समर्थकों के साथ कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर विकास के कार्यों में हो रही लापरवाही के कारण से अवगत कराया। उज्जैन दक्षिण के बीजेपी विधायक मोहन यादव ने स्मार्ट सिटी कार्यालय का घेराव किया। स्मार्ट सिटी के नाम पर अनियमितता करने वाले अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए। उज्जैन में टाटा कंपनी द्वारा किए जा रहे सीवरेज लाइन के कार्य, उज्जैन की गलियों की खुदाई करने से नाराज हुए विधायक। विधायक द्वारा कहा गया कि काम में सुधार नहीं हुआ तो हम सब मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट। करोड़ों रुपए का, हजार करोड़ रुपए का पैसा आया है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पैसा जिस निमित्त आया, जिस कारण से आना है, और जो टेंडर की शर्तें हैं, टाटा कंपनी को सीवरेज लाइन का काम दिया, लगभग पौने दो साल होने हैं, लेकिन इस दो साल के दरमियान जो उनको काम करने का तरीका था, उनके टेंडर की शर्तों में है कि वो जेसीपी से नहीं खोदेंगे, पूरे शहर में जेसीपी से खोद रहे हैं, उनको कटर से खोदना चाहिए। उसमें बाकायदा एक इनका दबाने का तरीका रहता है, जिसको वाइब्रेंट तरीके से दबाते हैं, जिसमें वो मिट्टी दोबारा उखड़ के नहीं आती, लेकिन ना तो उसको लगा रहा हम, ना प्रॉपर बैरिकेटिंग करना, ना पड़चाड़ देना, ना जनता को विश्वास मिले। हम इनको दो दो तीन तीन बार ज्ञापन दे चुके, लेकिन उस ज्ञापन का भी कोई असर हुआ नहीं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना महंगा टेंडर देने के बावजूद भी कंपनी लूटने लगी और अधिकारी कान में तेल डाल के सोए हैं। सारी जनता परेशान है और इसी बात को लेकर के हम घेराव करने आए हैं, और हमने बात कही कि हम आप ज्ञापन नहीं देंगे, हम सीधी आपसे बात करेंगे। दो दिन का इनको समय दिया, वो ज्वाइंट मीटिंग कराने वाले हैं, उम्मीद करेंगे उनको समझ में आएगी तो ठीक, नहीं तो जनता और उग्र आंदोलन करेगी और मैं उनके साथ रहने वाला हूँ।